गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी रीडर का हम नया लेसन लेसन 7 आज़ादी की रोटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक कुत्ते की एक भेड़िए से दोस्ती हो गई। हुआ ये कि कुत्ता भेड़िए का पीछा कर रहा था। कुत्ता खूब तगड़ा था और भेड़िया कुछ कमजोर था। भेड़िया भागते भागते थक गया और एक तालाब के किनारे सुस्ताने लगा। कुत्ता तालाब के दूसरी तरफ आकर रुक गया और भौंकने लगा। फिर दोनों की नज़र अपनी अपनी परछाई पर पड़ी। दोनों को लगा कि उनकी शक्लें आपस में मिलती है, शायद दोनों के पुरखे एक रहे होंगे। इस तरह वे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। भेड़िए ने कुत्ते से कहा, अजीब बात है, हम दोनों एक ही खानदान के हैं, लेकिन तुम इतने तगड़े हो, मैं इतना दुबला पतला। भेड़िया बोला, और मुझे कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता। इस जंगल में शिकार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुत्ते ने कहा, तुम कुछ दिन मेरे मेहमान बनकर रहो, मेरा मालिक तुम्हें भी बढ़िया खाना देगा, कुछ दिन बाद तुम भी तकड़े हो जाओगे। भेड़िए ने कुत्ते की बात मान ली। एक दिन भेड़िया टहलते टहलते शहर पहुंचा। किसी तरह लोगों की नज़रों से बचकर अपने दोस्त के घर पहुंच गया। कुत्ते ने उसका खूब स्वागत किया, बढ़िया खाना खिलाया, इधर उधर घुमाया, फिर अपनी कोठड़ी में ले गया। कोठड़ी को देखकर भेड़िया बोला, क्या तुम इस छोटी सी कोठड़ी में रहते हो? यहाँ तो आसमान भी नहीं दिखाई देता, मैं एक दिन रहूँ तो मर जाऊँ। कुत्ता बोला, शहरों में जगह कम होती है ना, इस सबको छोटी छोटी कोठड़ियों में रहना पड़ता है। भेड़िया मान गया। थोड़ी देर बाद उसको उसकी नज़र पास में पड़ी लोहे की सांकल पर गई। उसने पूछा, ये क्या है? यह सांकल है, मालिक मुझे कभी कभी इससे बांध कर रखते हैं। भेड़िया उठकर चलने लगा। कुत्ते ने पूछा, क्या हुआ? भेड़िए ने कहा, एक बार मुड़कर सांकल को देखा और कहा, भाई ये बढ़िया खाना तुम्हें मुबारक, गले में सांकल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन यह बंधन कभी नहीं सहन करूँगा। कुत्ते ने भेड़िए को समझाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया अपने रास्ते चल दिया।